या मास्टर स्ट्रोक, नारी शक्ति बंधन। लोकसभा रे निर्विघ्न रे हेला पास, राज्यसभा रे भी जोरदार समर्थन। महिलांकु आगुकु बढ़िबाकु रोकिबारे विरोधी भी हेले विफल। दलमत निर्विशेषरे नारी शक्ति बंधन बिल को समर्थन। महिला सशक्तिकरण यात्रा रे मोदी सरकार को मिली ऐतिहासिक विजय। नारी शक्ति बंधन विधेयक प्रधानमंत्री मोदी एपरी मास्टर स्ट्रोक जहां देशर महिला को राजनीतिर सर्वोच्च स्तर में निष्पत्ति नेबार अधिकार देव आई बिल को विरोधी भी अटकई पारुनाहंती। बुधवार दिन महिला संरक्षण बिल दुई तृतीयांश संख्या गरिष्ठता सह लोकसभा रे पारित होइतिला। या सपक्षरे 454 भोट दिया जाइतिला एवं विरोध रे पडिथिला मात्र 2 खंड भोट। एपटे राज्यसभा रे भी एही बिल कु नै होइछि आलोचना। देश की मातृ प्रधानमंत्री मोदी उद्बोधन दे कहिछन्ति देशर ई स्वर्णिम क्षण रो साखी समस्त दलर सदस्य। एही बिल कार्यकारी हेबा परे देशर मातृशक्तिक भूमिका बदलि जीव जहां देश को नूतन शिखर रे पहुंचाई देबो। ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा, ये मैं अनुभव करता हूँ। सेपटे बिल को विरोध करि पारु नाहती कि सबु श्रेय बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को जाउथबा देखि सही पारु नाहती विरोधी। बाध्यबाधकता रे सबु दल करिछंती बिल को समर्थन। एदेश महिला संरक्षण बिल महिला मानक प्रति समानता आणिबो बोली गुरुवार राज्यसभा रे बिल आगत करी उद्बोधन देबा बेले केंद्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघावल कहिछंती, सपने सब साकार करेंगे, सपने सब साकार करेंगे, नारी को अधिकार मिलेंगे, मातृशक्ति नेतृत्व करेगी, जन गण मन की शान बढ़ेगी। इस बिल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के मंत्र को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। हम वुमन डेवलपमेंट से वुमन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो हमारा G20 का भी एजेंडा था। महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी जैसे मैंने जिक्र किया पहले, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही है, साथ में सभी के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। एथिसै तो राज्यसभा रे यहाँ ऊपर होईची माराथन वितर्क। राज्यसभा रे वितर्क बळे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहिछंती प्रधानमंत्री सदा बळे वुमेन लेड डेवलपमेंट को गुरुत्व देई आसिछंती, एणु एही बिल देशर नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण रे सर्वोच्च अधिकार देवार माध्यम पालटिबो। एबे ये नारी शक्ति वंदन, यह शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे समाज में महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और एक दिशा देता है। भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है, ये हमारा और आपका नहीं, ये हमारे को हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज के में प्रतिस्थापित किया, वह बताता है कि हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्जवल रहा है। हमने नारी को शक्ति के रूप में देखा, देवी के रूप में देखा और समाज को दृष्टि देने वाली। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो वो हमेशा वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। अनेपटे राज्यसभा वितर्क रे विरोधी बिल को समर्थन जणाइथिले भी जोरदार वितर्क देखिबा को मिलिछि। नारी शक्ति बंधन अधिनियम चिठा संक्रांत वितर्क रे बीजेपी रो 14 जण महिला सांसद मंत्री एथरो भाग नैछथि। बिल ऐसा ही चले नहीं, नहीं आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो और
मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब। तेरे राष्ट्रपति मोहर सह नारी शक्ति बंदन विधेयक कार्यकारी हेले लोकसभा समेत सबु राज्य विधानसभा महिला 33% आसन संरक्षित रर्थात लोकसभा 543 आसन मध्य 181 आसन महिला संरक्षित रहीपुर ओडिशा विधानसभा 147 आसन मध्य 49 आसन रिजर्व रही। तेरे राज्यसभा किंवा विधान परिषद क्षेत्र में यह लागू होना सेहीपरि एससी एसटी महिला बिल्रे अलगा संरक्षण व्यवस्था नाही। वर्तमान एससी एसटी वर्गों संरक्षित आसन मध्य 33% से ही वर्गर महिला संरक्षित वर्तमान लोकसभा एससी वर्ग पर 84 आसन संरक्षित थिबा बेले बिल लागू हेले से 28 आसन एससी महिला संरक्षित हेबो। सेहीपरि एसटी वर्ग पर एबे 47 आसन संरक्षित रही। तबे नारी शक्ति विधेयक कार्यकारी हेले सेथिरु 16 आसन संरक्षित रहिबो एसटी महिलांको पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।